हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं सनमप्रीत सिंह जी के पास। और इस वीडियो में आपको इनके डॉग्स दिखाए जाएंगे और इनके डॉग्स के बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। ये इनका घर है एंड यहाँ पर ये अपने डॉग्स रखते हैं। हेलो गाइस, आई एम सनमप्रीत सिंह। मेरे प्लस चैम्पियन अर्नी फायर अटैक के ब्लड लाइन और डॉक्टर टिम्मी टोर की ब्लड लाइन है। आओ हम आपको बताते हैं। तो सर कितने डॉग्स आपके पास टोटल? भाई मेरे पास 4 फीमेल्स है। ओके, ये मेल है। ये आपका मेल है जी? और ये फाइट नहीं करते आपस में? नहीं नहीं, फाइट नहीं करते बिल्कुल। ओके ओके, सो ये देखिए गाइज, ये इनके डॉग्स हैं। ये मेल है, ये फीमेल्स हैं जी। हाँ, ये वाली फीमेल? ये सारे फीमेल्स हैं। ओके, ये देखिए गाइस, भाई ये मेरी 9 मंथ की फीमेल है, चैंपियन अर्नी फायर टैक, ब्लड लाइन है इसकी, वो ब्लैक टिमी टोर की डॉटर है जी। ये वाली इंजीनियर कैनल से ली थी तरनजीत से। और ये देखो, इसकी अच्छे स्टैक में खड़ रही है भाई, थोड़ा करना। ये देखो इसका हेड मसल देखो जी, बिग बिग साइज की है जी। 9 मंथ की है, बड़ी हो गई और भी मैच्योर बनेगी, आप देख सकते हो। और मेरे दो डॉग्स हो रहे हैं, ये फीमेल है मेरी, वो 4 ईयर्स की, और ये मेरा स्टड है, ये 3 ईयर का है ये भी। तो अकेली रोटवेलर डॉग ब्रीड ही रखते हो सर आप, है ना? सर मेरे को बस ये शुरू से ही यही रोटवेलर ब्रीड ही अच्छी लगती है। ओके, जैसे फादर साहब पहले मेरे ये रोटवेलर डॉग लेके आए थे एक। हाँ जी, उसके बाद मेरे को भी शौक लग गया इनका ही। ओके, ये मैं फिर अब उन्होंने एक लिया था, मैं 5 ले आया। अच्छा जी, आपके पास 5 डॉग्स हैं अभी? हाँ जी। तो वो आपने कैनल बनाया हुआ सर इसका, है ना? जी, वो 2 रूम्स हैं। ओके, 2 रूम पीछे आ गए हैं जी। ओके, पीछे भी कैनल कंस्ट्रक्शन है आपका? एसी वगैरह लगे हुए हैं गाइस। और ये इनके डॉग्स हैं, यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो कितना खुला है। ये पार्क है। हाँ जी, पार्क अभी रेडी हो रहा है दोबारा से। और ये भी इनके डॉग्स हैं। तो सर अकेली रोटवाइलर में ही क्यों फोकस करते हो आप? सर ये हैवी ब्रीड है जी। जी जी जी, वो तो सर है ही, अच्छे डॉग ब्रीड है वाकई में। कहने का मतलब यही है जो ब्रीडिंग करते हो वैसे आप इनके पपीज वगैरह सेल करते हो? नहीं, पपी अभी वगैरह आएगा दोबारी, तो बड़ी फीमेल के लिए हुए थे। ओके, उसके किए तो वैसे तो मैंने अच्छे अपने शौक के लिए रखे हुए हैं वैसे। मतलब मेनली अपना बिजनेस पर्पस नहीं है ये? ना जी, और पीछे घर वगैरह दिख ही रहा काफी, भगवान की कृपा से अच्छी जमीन ज्यादा आती है। जी जी जी, मतलब ये तो जस्ट एक शौक पूरा करने के लिए रखे डॉग्स रखे हुए हैं। ओके, तो सर कितनी बार लीटर लेते हो आप साल में इनसे? साल में बड़ी फीमेल ही आ गई है जो अभी, ये तो बच्चियां लेके आया था जी। ओके, अभी आप इनको तैयार कर रहे हैं? 9 मंथ की फीमेल है जी। ओके, ये चैंपियन अर्नी फायर ट्रैक की डॉटर है। ओके ओके ओके, ग्रैंड डॉटर। जी जी जी, मैं साल में एक बार ही लेता हूँ अपनी बड़ी फीमेल से, एक ये फीमेल। ओके ओके, साल में एक बार ही लीटर लेना प्रेफर करते हो आप? नहीं, वो ही अच्छा है सर, ज़्यादा लीटर लोगे तो फीमेल ही खराब होती है। अच्छा नहीं होता। हाँ जी हाँ, उसको ज़्यादा तंग नहीं ना करना। ओके, तो गार्डिंग पर्पज़ के लिए सर कैसी है ये डॉग ब्रीड? बहुत अच्छी है जी, किसी को अपने यहाँ खुले रहते हैं जी। हाँ जी हाँ जी, कोई अंदर नहीं आ सकता जी। मतलब इतने बड़े घर बंगले की रखवा खुले छोड़ देते हैं जी सारे घर में। ओके, अपने एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं जी। हाँ जी हाँ जी, अग्रेसिव नहीं है? अग्रेसिव नहीं है, बाहर को बाहर के जो पर्सन आता है उनको तो चलो पड़ते ही। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर वालों के लिए तो अग्रेसिव होनी चाहिए। कुछ नहीं कहते, बस अच्छे से खेलते रहते हैं। ओके ओके गाइस, मैं आपको अपने डॉग्स के रूम दिखाता हूँ। आपको सर का डॉग रखने का सेटअप दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये प्रॉपर स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे, खुला डुल्ला है ना सर। और वो पीछे इनके कमरे बने हुए हैं, देखो अंदर जाके बैठ गई है, ये फीमेल है। जी जी जी, ये सारा दिन ये गार्डिंग तौर पे खुले रहते हैं, ये यहाँ पे खुले रहते हैं। देखिए कितना स्पेस है गाइस। और ये एसी वाले कैबिन है सर आपके? हाँ जी, एसी अंदर लगा हुआ है, एसी भी लगे हुए हैं, वो कूलर भी लगा हुआ है, फैन भी लगे हुए हैं। ये एसी वाले कैबिन है जी, ऊपर फैन चल रहे हैं, ये कूलर वगैरह लगे हुए हैं, सारा सेटअप बनाया हुआ है और साफ सफाई देख सकते हो आप। तो सर आप सारा दिन खुला ही रखते हो अपने डॉग्स को? हाँ जी खुले रहते हैं जी, ये गार्ड के लिए बने हैं जी डॉग्स। हाँ जी हाँ जी, गार्ड तो मतलब जो नेचुरल काम है कि रोटवेलर एक गार्डिंग पर्पस से डॉग ब्रीड की गई थी कि ये अच्छे तरीके से रहें, सो वो ये कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर इनका खुला स्पेस है और ये बाहर सड़क है, सो कोई भी अगर जैसे बाहर का बंदा आता है तो नेचुरल गार्ड करते ही होंगे उसको ये। हाँ जी हाँ जी, पूरा वो डरते अंदर ही नहीं आते जी। हाँ, बाहर से इधर से
जी जी चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से ही बंदा डर जाता है। सो एसी वाला सेटअप भी है, एसी भी लगा रखे हैं, बट इनका जो नेचुरल काम है वो भी लिया जा रहा है इनसे, तो गार्डिंग का ही है ना। अभी सर जैसे बड़े बड़े मैं काफ़ी कैनल देखे हैं, तो उनमें गार्डिंग पर्पस के लिए डॉग को बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा करते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? वही बात है ना सर, जो डॉग तो गार्डिंग के लिए ही बना है। हाँ जी, तो गार्डिंग के लिए ज़्यादा बेटर है ना। हाँ जी, लोग तो ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं, साल में दो दो बारी इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तभी देखिए आप गाइज ये मेरे आस पास ही घूम रहे हैं आराम से, यहाँ से देखिए सीधा डायरेक्ट कोई बाहर से आ रहा है तो ये उस पर अटैक या फिर भौंकने के लिए तैयार रहते हैं, आपको मतलब बता देते हैं कोई 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 स्ट्रेंजर आया है। सो बड़े बड़े कैनल्स में क्या होता है कि ब्रीडिंग ज़्यादा है ना, ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, गार्ड के तौर पे तो रखते नहीं ना अंदर ही 24 घंटे कमरे के अंदर ही, उनको जेल की तरह बना के रखते, ऐसे पड़े हुए हैं अपने कमरों में है ना। बट यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो जी खुला पड़ा है, अपना मन मर्जी है यहाँ पे रहो। हाँ जी, अपने घर में भी खुले रहते हैं जी। जी जी जी, और इधर पार्क बनाए बारिश होने के कारण पानी खड़ गया नहीं तो इधर खुले रहते हैं, अंदर खेलते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे देखो इन्होंने दरवाजा रखा हुआ है, दरवाजा है जी, ये खोल देते हैं, उधर अपना खेलते हैं, ये सारा दिन करते हैं डॉग्स। मतलब इतना बढ़िया सेटअप है ना गाइस, मेरा दिल खुश हो गया देख के। यहाँ पे सारा दिन डॉग्स खुले भी हैं, एसी वाला सिस्टम भी है और नेचुरल काम भी लिया जा रहा है कि जो इनके जिसके लिए बने हैं ये गार्डिंग पर्पस के लिए। और डाइट भी, डाइट में क्या देते हो सर आप इनको? डाइट में सर ये फीड आ गई है इनकी कैटागिरी, ओके, एग्स देते हैं, चिकन देते हैं, ओके ओके ओके, और राइस हो गए। जी जी जी, मतलब हैवी डाइट भी यूज़ की जाती है इनके लिए, काफ़ी अच्छी। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर, इतने सारे स्पेस में जैसा आपने दे रखा है, इतने बढ़िया माहौल में, लोग काफ़ी काफ़ी डॉग रख लेते हैं बट आपने सिर्फ 4-5 ही रखे हुए हैं, क्या रीज़न है सर? इसका बात तो वो होगी ना सर, वो ब्रीडिंग के लिए रखते हैं। हाँ जी, मैंने कौन सी ब्रीडिंग करनी है जी? जी जी, मैं तो अपने गार्ड के लिए रखे हुए हैं, शौक के तौर पे गार्डिंग पर्पस के लिए रखे हुए हैं। इसी किले पे पूरा घर है जी, यहाँ पूरे इधर घर नहीं है जी, बंगला है पूरा। नहीं जी, तो भगवान की कृपा है जी। जी जी जी, तो इधर खुले रहते हैं, अपनी मर्जी है जी, अब एसी चलता है तो रूम बंद करके एसी में रख देते हैं इनको। जी जी, आज मौसम ठंडा है जी, बाहर घूम रहे हैं, बारिश हुई हुई है गाइस, तो मौसम ठंडा है अभी, तो आज लाइट भी नहीं आएगी, आज अभी जनरेटर चला के इनको अंदर ही कर देंगे। जी जी, एसी में ही, तो यही पर्पस है। मतलब मेन अपना ये है कि ब्रीडिंग तो एक जस्ट हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अपना हो जाए मेरे पास मेल है ना, जब मन करता है तो। अभी बच्चियां मेरी छोटी हैं जी, एक 8 मंथ की, एक 9 मंथ की, ये अडल्ट है मेरी फीमेल जी, ये वाली जी, इससे मैंने एक बार ही पपीस लिए, इससे बस एक बार पपीस लिया। ओके, और ये वाली सर आपकी वो जो चैंपियन वाली थी ना? हाँ जी, चैंपियन आर्मी फायर अटैक की फीमेल है जी। सो गाइज मेरा पर्पस इस वीडियो में क्वालिटी वगैरह दिखाना नहीं है, मैं ये जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि डॉग आपको कैसे रखने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ गार्डिंग पर्पस से, शौक के तौर पर भी लोग डॉग्स को रखते हैं। ये देखिए टाइले वगैरह लगी हुई है, इतने अच्छे तो जी लोगों के घर नहीं होते, इतना अपने कुत्ते के लिए बना रखा है, काटती तो नहीं है जी? नहीं जी। ओके, फ्रेंडली फीमेल है वैसे तो। So, मतलब गार्डिंग पर्पस के लिए ब्रीडिंग कोई रोल नहीं है गाइस, स्टड सर्विस तो सर अवेलेबल ही अपने पास। हाँ, वो तो कोई बात नहीं है। महीने में कितनी बार मीटिंग करवा देते हो? महीने में 2 या 3 मैक्सिमम। हाँ जी, ज्यादा मीटिंग करवाने से कोई इफेक्ट पड़ता है? जैसे ज्यादा मीटिंग करवाने से डॉग भी काफी परेशान हो जाता है, वो भी जी कमजोर हो जाएगा। जी जी जी, 2-3 बहुत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो पप्स वगैरह अवेलेबल होते हैं? हाँ जी होते हैं, पप्पी अवेलेबल हो जाते हैं, स्टड के भी हो जाते हैं, पर लिमिटेड ही होते होंगे सर। हाँ जी, थोड़े बहुत ही होते हैं। जी जी, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा गाइज, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सर का बिजनेस तो है नहीं, ये जस्ट एक शौक किया स्टड के लिए डॉग अपना रखा हुआ है। हाँ जी, बस एक बार पप्पी लिए थे उस फीमेल से, जो आगे चलो मन चाहा तो फिर भी लेंगे। जी जी जी, स्टड सर्विस अवेलेबल है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्या नाम है जी आपके इस डॉग का? इस डॉग का नेम है जी डॉन। डॉन नाम है जी इसका? ओके, ब्लड लाइन है जी। ओके, इसका ग्रैंड डॉक्टर है जी, चैंपियन फ्रेम कर लो, चैंपियन। मतलब ये सारे डॉग्स आपके चैंपियन ब्लड लाइन से ही हैं? चैंपियन ब्लड लाइन के हैं जी सारे डॉग। ओके, क्या स्पेसिफिकेशन है जी इसकी, क्या खासियत है इस डॉग की आपके? देखो ये आप हाइट लेंथ इसकी देखो, बहुत बड़ी है जी, 68 सेंटीमीटर का ये मेरा डॉग है जी। 68 सेंटीमीटर, ओके। वैसे डॉग 62-64 सेंटीमीटर के होते हैं। अच्छा जी, 5 के भी होते हैं, ये 68 सेंटीमीटर का है। मतलब इसकी हाइट है जो नॉर्मल से अलग है। हाँ जी, अलग है जी। और बाकी इसका सर रिजल्ट कैसा आ रहा है, मीटिंग वगैरह करवाते हो अब इसकी? हाँ जी, मीटिंग करवाते हैं जी। अपनी फीमेल पे तो इसी को यूज करते होंगे? हाँ जी, अपनी भी बाहर से भी आ जाती है जी। ओके, मतलब ओपन है स्टार्ट सर्विस के लिए? सर आपको नंबर मिल जाएगा जी वीडियो में। जी जी। ओके, तो कैसा रिजल्ट आता है सर इसका? बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं जी। अच्छे बच्चे आते हैं, मतलब वैसे प्रोड्यूसिंग अच्छी आ रही है इसकी? अच्छी आ रही है प्रेगनेंसी। ओके, 7 से 8 पप्पीज के बीच में आते हैं। और मतलब बॉडी साइज वगैरह सब कुछ हेल्दी वेल्दी रहता है? हाँ जी, सब बढ़िया रहता है। सो गाइज आप इनकी मेटिंग के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो सर को।
बाकी साइज तो काफी बड़ा है डॉग का जी, अराउंड ये देखिए